नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया पांडे है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मैं राष्ट्रीय काव्य संगम और शुभम द्विवेदी जी का सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मंच पे बोलने के लिए उपस्थित किया है। तो आज मैं आप सबके समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके शीर्षक है ख्याल हो तुम। बहुत मासूम हो तुम, तुमसे अभी मिलने की इच्छा बहुत हो रही है। ख्याल आता है बहुत तुम्हारा, इन उठती गिरती सांसों के, इन धड़कते दिल के निराकार में लय हो तुम। मेरा ख्याल हो तुम, आप में अद्भुत नशा है, आप में अद्भुत नशा है। मेरी दुनिया मेरा प्रेम हो तुम, जी हाँ मेरा ख्याल हो तुम। प्रेम में मैंने तुझ पर अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम किसी और के हो ये जानते हुए भी हक जताने लगी। जानते हो मुझे पसंद नहीं गैर का जिक्र तुम्हारी जुबा से, जानते हो मुझे पसंद नहीं गैर का जिक्र तुम्हारी जुबा से। आठों प्रहर 64 घड़ी सोचूं बातें तुम्हारी, आठों प्रहर 64 घड़ी सोचूं बातें तुम्हारी। मार्ग ना हो अवरुद्ध हमारा, मैं तुम पर बलिहारी। ना कोई भ्रम ना धोखा, न शंका न नशा था, बस एक तुम्हारा ख्याल था। चंदन से पावन हो तुम प्रेम की नदियाँ हो, करुणा का हो सागर तुम, है सरल छवि मोहिनी। जादू भरी उनकी बातों से बहकी है मेरी रातें, तुम ही मेरे शब्द मेरे अलंकार, मेरे हर कविता का ख्याल हो तुम भी न अधूरी मेरी हर रचना, मेरे जज्बात मेरे जीवन का हर साज और सिंगार हो तुम, मेरा ख्याल हो तुम। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये प्रेम की कविता आप लोगों को पसंद आई हो। और आज मैं आप लोगों के सामने स्वर्णिम दर्पण मासिक पत्रिका के संपादक सौरभ पांडे जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर एक को एक प्रेरणा दी है, हर एक को जीने का सहारा दिया है, हर एक को मंच पे आने के लिए उपस्थित किया है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।